Thank you. राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। तो आप सभी को सबसे पहले तो प्यार भरी गुड मॉर्निंग। सुबह का टाइम और देखिए आज मेरे ना इस वाले पौधे पे कई सारे फूल खिले हैं जो पूजा के लिए काम आएंगे। बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह इस ग्रीनरी को देखना, जो कि मैं भी देख रही हूँ अपने पेड़ पौधों को, एक इनसे लगाव भी हो जाता है। तो बस आज कुछ काम का शूट नहीं किया, सारे काम से फ्री होकर के आई हूँ मैं नहा करके, क्योंकि आज है संडे और संडे वाले दिन काम एक्स्ट्रा निकल जाते हैं जो कि मैंने आज किए। थोड़ा सा मैं लेट भी ना आई हूँ आज, और बच्चे भी आज थोड़ा लेट ही जगे हैं। तो बस यहाँ पे मैंने ना बालों को धोया था सर धोवा के और क्लचर लगा लिया। पहले खुले किए, फिर मुझे आदत नहीं है खुले बालों में, मुझे लगा गर्मी लगेगी, फिर जरा किचन में भी जाना है तो बाल गिरने का भी डर था, इसलिए मैंने ऊपर करके बांध लिए हैं। और पता नहीं मेरे बालों को क्या हो गया है, जब से मैंने कटिंग कराई है तब से बाल मेरे बढ़ ही नहीं रहे हैं। और पहली बार तो कटिंग कराई शादी के बाद, मतलब इतने सालों में पहली बार कटिंग कराई, उसके बाद भी पता नहीं क्या हुआ है कि ऐसी कैची लगी है ना कि बाल बढ़ ही नहीं रहे, जबकि मेरी कटिंग कराए भी शायद एक साल हो गया बालों को, और तब से बिल्कुल बाल नहीं बढ़ रहे हैं। मतलब मुझे बाल लंबे पसंद है, छोटे बाल मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पर क्या कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे छोटी मोटी मुझे कुछ दिख रहा था फैला उला पड़ा है, वो मैं समेट के और जाती हूँ अब बाहर पूजा करूँगी, उसके बाद में फिर मैं और काम में लगूँगी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो यहाँ पर मशीन लगा दी थी और साथ ही साथ ना खाने पीने की तैयारी भी कर रही हूँ मैं, नहा ली थी। और राघव जो है नहा रहा है अभी, कृष्णा नहा लिया, रघु हमारे नहा रहे हैं अभी, सूखे पहलवान। बारिश पता है बार बार बारिश हो रही है और बार बार ना गीला हो जा रहा है, देख सकते हैं इसको ढकना पड़ता है क्योंकि नीचे बहुत गीला हो जाता है इसलिए। और मैंने नाश्ते में आज बनाया था पोहा, जल्दी जल्दी बनाया था, इनको जल्दी जाना था इसलिए, तो मैंने कोई वीडियो शूट नहीं की थी वो उसमें आता है पोहा। तो ये देखिए पोहा बनाया, बहुत कुछ किचन तो पूरा फैला पड़ा है, आलू उबाल के रख दिए थे, पोहा बना दिया है। यहाँ पे जो है कृष्ण प्लेट में ये रह गया था, ये अभी नहा के आया, इसलिए नहीं किया, बस यही करके चले गए थे। और रघु अभी नहा रहा है, और साथ ही चढ़ा दिया मैंने दाल चावल रोटी बनाऊंगी, ये काली मसूर वाली दाल जो होती है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, काली मसूर ही होती है वो वाली दाल बनाऊंगी, तो वो चढ़ा दी है मैंने। और आलू उबाल के रखे क्योंकि मैं कुछ बनाऊंगी बच्चों के लिए, संडे है, सुबह सुबह पॉसिबल नहीं था इतनी जल्दी बनाना, वैसे सुबह ही सोच रही थी मैं बनाने की, क्योंकि संडे है ना तो संडे को बच्चों को लग रहा है कुछ अलग सा हो जाए, अभी देखते हैं, बता नहीं रही मतलब बन जाए तब है। तो इसीलिए मैंने ये, इन्होंने बोला मुझे पोहे बना दो जल्दी जाना है, तो फिर मैंने सोचा चलो नाश्ते में पोहे ही बना देती हूँ, तो इसीलिए मैंने सुबह नहीं बनाया, बस आलू उबाल के रख दिए थे। साइड में बर्थडे है तो ना गाने वाने चल रहे हैं आज, तो बस चलिए फटाफट से पहले खाना बना लेती हूँ, और साथ ही कपड़े धुल रहे हैं, कपड़े मैंने सुबह डाल दिए थे तो निकालना बाकी रह गया है, मतलब चल गए हैं वो कपड़े, तो मैंने कहा पहले खाना पीना बना के तब करूँगी, क्योंकि फिर खाने को लेट हो जाती हूँ बहुत। तो चलिए जी, जी उसे तो जी खाना पीना सब बन गया था, शूट भी किया था मैंने, लेकिन मैंने ऐड इसलिए नहीं किया वीडियो में क्योंकि वीडियो ऑलरेडी इतना बड़ा हो रहा था और मुझे वो रेसिपी ही ज़्यादा मतलब दिखानी थी आपको अच्छे से, तो अगर वो सारी चीज़ें ऐड करती ना मैं, मतलब खाना पीना बनाने का डेली ही मैं आपके साथ करती हूँ, तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाता, इसलिए मैंने वो ऐड नहीं किया है। तो यहाँ पर जो खाने पीने के जो बर्तन फ्री हुए हैं ना सारे, वो मैं साफ़ कर रही हूँ, और बस मैंने खाना नहीं खाया, अभी मम्मी जो है वो खाना खा रही है, बाकी सब लोग फ्री हो चुके हैं खाने से, क्योंकि आज बच्चों की पसंद की दाल बनी
बनी थी ना काली मसूर की दाल, उनको बहुत पसंद है मेरी तरह, मेरे दोनों बच्चों को बहुत पसंद है, तो उनको फिर कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती खाने की कि खा लो, अपने आप से खा लेते हैं और आ जाते हैं। तो बस यहाँ मम्मी खा रही, मैं उनको परस रही थी और साथ ही साथ अपनी बर्तन वगैरह भी मैं साफ़ करती जा रही हूँ, क्योंकि मुझे फटाफट से लगना है ना फिर थोड़ी देर बाद किचन में। तो मैं आ गई फिर से किचन में और यहाँ पर देख सकते हैं मैं तैयार कर रही हूँ आज पेटीज, जो कि आप बहुत हाइजीनिक तरीके से घर पे बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक कप मैदा लिया है, आप देख सकते हैं ये जो कप है ना वो मतलब मेज़रमेंट वाला कप है, आप वैसे भी ले सकते हैं, कुल मिला के आप एक कटोरी बना लीजिए कोई नाप की तो उसे ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे मैदा लिया है, इसमें थोड़ा सा मैंने नमक ऐड किया है और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे मोयन। मोयन के लिए आप इसमें ना मक्खन या घी का यूज़ करें, मतलब बटर या फिर जो डालडा घी होता है ना, जो वनस्पति घी वो ले सकते हैं या फिर देसी घी। आप रिफाइंड का यूज़ ना करें, रिफाइंड से उतनी अच्छी लेयर जो उसकी नहीं खुलती और ना ही इतनी अच्छी लेयर बनती है, ठीक है। तो उसके बाद में ना आपको जो है इसको मिक्स करना है। 3 चम्मच जो है मैंने बड़े वाले चम्मच जो टेबल स्पून जो होते हैं वो मैंने डाले हैं इसमें घी के। तो यहाँ पे ना घी जो मैंने वनस्पति लिया है, आपको झूठ नहीं बोलूँगी, वनस्पति घी लिया था मैंने, और उसको मैंने क्योंकि इस जो पेटीज़ में ना इसको पफ पेटीज़ बोलते हैं, इसमें ज़्यादातर ना बटर या वनस्पति घी का ही यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे अच्छे से इसको देख सकते हैं, अच्छे से मिक्स करेंगे और हाथों से बांध करके देखेंगे। उसके बाद आपको पानी लेना है और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका डो लगाना है। इसका डो आपको बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं लगाना है और बहुत ज़्यादा लूज़ भी नहीं, मतलब पतला भी नहीं लगाना, एकदम मीडियम सॉफ्ट डो लगाना है, जैसे आप रोटी के लिए लगाते हैं उसे थोड़ा सा टाइट, बस इतना आपको जो आपको मैं दिखा दूँगी थोड़ा, इसीलिए आप थोड़ा थोड़ा पानी डालें और इसका जो है वो स्मूथ सा और डो तैयार कर लें। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको जो डो लगाना है ना, इसका आटा जो लगाना है मैदे का, वो इस तरीके से लगाना है, आपको दिखा रही हूँ मैं, ये देखिए बहुत सॉफ्ट भी नहीं और बहुत टाइट भी नहीं, मतलब अच्छा सा डो तैयार कर लेना है। इसको आप ढक कर के रख दीजिए कम से कम 15-20 मिनट के लिए, तब तक हम इसकी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। आटा जो है जब तक सेट होगा, तो यहाँ पे मैंने 4 जो है उबले आलू लिए हैं मीडियम साइज़ के, और उनको थोड़ा रफली थोड़ा सा मोटा मोटा इसको हाथों से मैंने मैश कर लिया है, ज़्यादा मतलब बारीक ना करें, थोड़ा मोटा मोटा ही इसको मैश कर लें। तो यहाँ पर आलूओं को अच्छे से मैश कर लेंगे। यहाँ पर ले ली है मैंने कढ़ाई, और कढ़ाई में मैंने लगभग 1 चम्मच के करीब तेल किया है सरसों का। अब इस तेल को ना हम गरम होने देंगे, और गरम होने के बाद इसमें जैसे ही तेल गरम हुआ उसमें हमने 1/2 चम्मच के करीब ज़ीरा ऐड किया है। आपके पास अगर सूखा धनिया हो ना तो उसको भी थोड़ा सा हाथों से क्रश करके डाल सकते हैं, साबुत धनिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे जो है हरी मिर्ची ली थी एक, उसको कट कर लिया था, और यहाँ पे थोड़ा सा मैंने अदरक लिया है, उसको मैंने साथ ही कस लिया है, तो उसको आप डाल दीजिएगा। अगर आप प्याज खाना चाहते हैं तो इसमें ना इसी समय पर आप एक प्याज को थोड़ा सा बारीक चॉप करके यहाँ पर प्याज भी डाल सकते हैं, मैंने प्याज का यूज़ नहीं किया है। तो अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1/4 चम्मच के करीब हल्दी, और यहाँ पे 1 चम्मच यानी आधा चम्मच मैंने 2 बार लिया, यहाँ पे डाल रही हूँ धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच मैंने डाला है मिर्ची का पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर। उसके बाद में ना हम इसको थोड़ा सा भून लेंगे, और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा मटर हरी, अगर आपके पास हो तो ठीक है, नहीं तो ये कोई ज़रूरी नहीं है, ऑप्शनल है। मैंने यहाँ पर रखी थी, मेरे पास फ्रोज़न थी तो मैंने वो डाल दी है। उसके बाद इसको थोड़ा सा मसालों के साथ में भून लेंगे। उसके बाद में हम इसमें जो आलू हमने मैश करके रखे थे ना, हम वो डाल देंगे। तो अच्छे से इसको हमें मिक्स करना है, बहुत अच्छे से चलाना है यानी भूनना है इस मसाले को, क्योंकि ये जो स्टफिंग होती है ना बहुत टेस्टी लगती है। तो यहाँ पे अच्छे से मेरी जो क्या हुआ था ना कि बीच में बारिश आ गई थी वो मैं आपको बताऊँगी। तो यहाँ पे अच्छे से इसको ना मैश करते हुए जो आलू भरे मोटे मोटे थोड़ा उनको भी हल्के हाथों से मैश कर लेंगे। और यहाँ थोड़ा सा मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च ऐड किया है, और ऐड कर रही हूँ यहाँ पे 1 चम्मच बड़ा वाला चाट मसाला, साथ ही थोड़ा सा गरम मसाला। आप चाट मसाला ना हो तो आप इसमें अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे नमक ऐड किया है टेस्ट के अनुसार, और अच्छे से इसको कर लेते हैं मिक्स, थोड़ा सा मैश करते हुए मिक्स करेंगे, जैसे कि जो मोटे मोटे आलू हैं थोड़े से वो मतलब फूट जाएं और अच्छे से एक मतलब जो इसका स्टफिंग है ना वो बढ़िया सी तैयार हो जाए। उसका देख सकते हैं कलर कितना अच्छा लग रहा था, मतलब बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। तो बस इस तरीके से इसको जब तक भूनना है जब तक कि कढ़ाई जो है छोड़ने ना लगे। तो ये देखिए कढ़ाई जो है छोड़ने लगी है और यहाँ पे अच्छे से ये भुन गया है। अब उसके बाद में देखिए बीच में ही जब मैं भून रही थी ना इसको, मैं आपको दिखा दूँ बारिश आ गई थी, तो यहाँ पे देख सकते हैं कितनी तेज़ बारिश आई कि मुझे ये डालने जाना था टट्टर पे, तो सारा मैं भीग चुकी थी, बहुत तेज़ एकदम से बारिश आई, और यहाँ पे राघव से गमला फैल गया था मिट्टी का, तो वो समेट रहा है बेचारा यहाँ पे काम करने के लिए, जिस
सब तैयारी कर रही थी और बीच में आ गई थी बहुत तेज बारिश, तो मैं हो गई गीली सारी। देखो बीच में भागना पड़ा क्योंकि एकदम, अब देखो अब बंद सी भी हो गई हमारे से, ये है मतलब परेशान कर रही है बहुत ज़्यादा। तो चलिए थोड़ा सा शुरू करते हैं, थोड़ा सा मैं अपना सुखा लूँ अपने आप को। तो जी यहाँ पे जो स्टफिंग थी ना उसको मैंने निकाल लिया एक बर्तन में, उसको थोड़ा सा हम ठंडा कर लेंगे। और तब तक अपनी मैदा को चेक कर लेते हैं, 15-20 मिनट से ज़्यादा ही हो गया था और ये अच्छे से सेट हो गई थी। सेट होने के बाद इसको एक अच्छे से ना मसल के दोबारा से सॉफ्ट करेंगे और एक स्मूथ सा जो इसका आटा जो हम तैयार कर लेंगे मसल मसल के। तो ठीक है, यहाँ पे हमने इसको तैयार कर लिया। अब हमें क्या करना है, आगे का प्रोसेस करना है, इसको भी रख देती हूँ मैं। हमें एक तैयार करना है इसकी लेयर बनाने के लिए साटा, जो बहुत ज़रूरी है, इसके बिना जो आपकी पेटीज़ में है ना लेयर बनी नहीं सकती है। तो यहाँ पर मैंने 3 चम्मच लिया है घी। आप बटर ले सकते हैं तो बटर को भी मेल्ट करके ले लीजिएगा, या फिर आप जो वनस्पति या देसी घी जैसे मैंने बताया यही चीज़ लेनी है, रिफाइंड ऑयल ना लें तो ज़्यादा बढ़िया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे 3 चम्मच इसमें ऐड किया है मैदा। मैदा की जगह आप कॉर्नफ्लोर भी यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास नहीं था लेकिन आप मैदा भी यूज़ करेंगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पे देखिए इसको ना अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इस तरीके का इसका जो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए गिरती हुई, ज़्यादा गाढ़ी नहीं रखेंगे, ज़्यादा पतली भी नहीं रखेंगे, देखिए इस तरीके का। तो हमारी सारी तैयारियां वहाँ हो चुकी हैं और अब अपने आटे को ना इस तरीके से आप अपने स्लैब वगैरह पे इस तरीके से फैला लीजिए, चिकना कर लीजिए। और अब यहाँ पे क्या करना है, आपको एक लोई बनानी है इनकी, बराबर साइज़ की आप लोई बना लीजिए। तो मेरी जो है कितनी बनी थी, 7 बन गई थी। तो इस तरीके से आपको इसको रोल गोल गोल हाथों से करके ना इनको रख लेना है और थोड़ा सा आप इसके ऊपर ऑयल लगा लें जिससे कि ये सूखे ना। तो यहाँ पे सारी लोइयों को मैंने इस तरीके से तैयार कर लिया है, आपकी जितनी बन जाए 7-8 जैसे भी, मीडियम साइज़ की रखनी है, थोड़ा सा मैंने ऑयल भी लगा दिया सूखे ना। अब आपने एक लोई को लेना है और इसे बेलना है अपने चकले पे या जैसे भी आप बेलना चाहें, क्योंकि आपको इसको ना इतना पतला बेलना है और इसकी रोटी जैसी आपको तैयार कर लेनी है। तो यहाँ पे आप मैदे का यूज़ भी कर सकते हैं अगर नहीं बेल रहा है। वैसे तो ये बहुत अच्छी, इतना मतलब सॉफ्ट भी था और इतना टाइट भी नहीं था कि बेल नहीं पा रहा था, ये बहुत अच्छे से बेल रहा था और बढ़ भी रहा था, देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको मैदा की सहायता लेकर के अगर नहीं बेल रहा है तो पतली सी ना इसकी एक शीट तैयार कर लेनी है। तो आप इसके लिए मैदा की सहायता, लग रहा है कि बार बार आपको लेना है तो कोई दिक्कत नहीं है, मुड़े और ये थोड़ा मुड़ भी जाता है ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस कुल मिला के आपको पतली ही ये तैयार करनी है सीट। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने ना तैयार कर लिया है और अब इसको उठा के आपको हाथ पे मैं दिखाती हूँ कि कितनी पतली है, मतलब आपकी उंगली जो है वो चमक रही है ना, इस तरीके से आपने पतली इसको बेलना है। अब आपने क्या करना है, एक जो है थाली या प्लेट ले लेनी है, उस पर थोड़ा सा ना मैदा जो है स्प्रिंकल करिए, मतलब डाल दीजिए जिससे कि ये चिपके ना, और रोटी को उस पर डाल दीजिए। ये हमने इसलिए क्या है कि ये इतनी पतली रोटी है कि चिपक जाएगी, तो आपको चिपकाना नहीं है बिल्कुल अच्छे से। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने दूसरी रोटी बेली और पहली जो सीट है ना उसके ऊपर मैंने मैदा थोड़ी सी डाल दिया था, जैसे कि आपस में सारी जो रोटी है ना चिपके ना, आपको इसके तरह ऊपर जो है वो सारी रोटियों को बेल के और डालते जाना। ये देखिए यहाँ पर मैं ये भी बेल लिया और इसको भी मैं इसी पे डाल दूंगी। तो सारी रोटियां मैंने इसी तरीके से तैयार कर ली। आप इस तरीके से ना इसको खींच सकते हैं, कितना अच्छा आटा दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे ये सारी जो है तैयार हो चुकी है मेरी सातों की सातों सीट। तो अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये देखिए एक इस तरीके का आपको कोई बर्तन ले लेना है या आप प्लेट या चकला कुछ भी ले सकते हैं। अब आपने जो सीट लेनी है एक और इसको अच्छे से फैला लेना है। उसके बाद आपको ये साटा जो बनाया था उसका जो है एक लेयर यहाँ पे लगानी है, देख सकते हैं आप हाथ से भी लगा सकते हैं, चम्मच से भी लगा सकते हैं। तो जैसे कि सर्दियों के दिन होते हैं ना ये जम जाता है, तो आप थोड़ा सा गर्म कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको पूरे पे इसको फैला लेना है, जैसे कि मैं दिखा रही हूँ वीडियो में यहाँ पे चारों तरफ इसको, क्योंकि इसी से जो है हमारी जो पेटीज की ना लेयर बनेंगी और खुलेंगी। उसके बाद थोड़ा सा आपको मैदा छिड़क लेना है इसके ऊपर, उसके बाद आपने दूसरी सीट इसके ऊपर रखनी है। ये देखिए इस तरीके से, आप छोटी बड़ी हो तो आप सेट कर सकते हैं खींच खांच के, जैसे कि मैं कर रही हूँ। तो ये मैंने खींच के सेट किया, उसके ऊपर फिर से मैंने यहाँ पे इसी तरीके से साटा लगाया और इसको तैयार किया है। ये देखिए अच्छे से लगा देना है, बहुत अच्छे से, ये देखिए। और इसके ऊपर फिर से आपको मैदा लगाना है थोड़ा सा और फिर रोटी जो है रखती जानी है। अब जितनी भी रोटियाँ हैं आपको इसी तरीके से एक के ऊपर एक करके, एक के ऊपर एक करके सेम प्रोसेस के साथ में रख देनी है इसी तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी जो सारी 6 रोटियाँ हो गई थी, एक बाकी है उसको भी मैं दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे ये लास्ट रोटी मेरी रख गई, उसके बाद में मैं रोटी रोटी बोल रही हूँ कि सीट भी बोल सकते हैं। तो अब लास्ट में जो ऊपर वाली है ना उसके ऊपर भी आपको इस तरीके से साटा जो है वो लगा देना है, सबसे ऊपर वाली पे।
और इसके ऊपर भी थोड़ी सी ना मैदा आपको छिड़क देनी है। बस यहाँ पे अच्छे से लग चुकी, पूरा जो हमारा साटा था ना एकदम परफेक्ट बैठा, एकदम से ज़रूरत नहीं पड़ी, ना कम पड़ा ना ज़्यादा पड़ा। अब थोड़ी सी मैदा स्प्रिंकल करके अब इसको फोल्ड करना है आपको धीरे धीरे। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरीके से दबाते हुए अच्छे से इसको फोल्ड कर लेना है आपको, एक रोल बना लेना है। ये देखिए इस तरीके से बहुत अच्छे आपके लेयर खुलेंगे इससे पेटीज के, और बहुत अच्छी पेटीज जो है बनके तैयार होंगी, बच्चे खुश हो जाने वाले, इतना है। देखिए जब हम मेहनत करते हैं ना, तो जब मेहनत करते हैं तो फिर लगता है कि अरे यार इतनी मेहनत है इन चीज़ों में। मैं मानती हूँ कि मेहनत है, लेकिन जब हमारे बच्चे हमारे परिवार वाले खुश होते हैं ना इन चीज़ों से, तो हमारी जो मेहनत होती है ना, जो थकान होती है, सब दूर हो जाती है, सब मतलब छू मंतर हो जाती है उनकी खुशी देख के चेहरे की, बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। तो अब इस तरीके से आपको इसको एक रोल बना लेना है, मतलब मीडियम साइज़ का, आप देख सकते हैं कितना मैंने बना रखा है। अब इसके कॉर्नर जो है ना वो निकाल दीजिए आप अच्छे से यहाँ पे। अब आपने क्या करना है, इसकी लगभग 1.5-1.5 इंची के करीब आपको लोइयाँ कट कर लेनी है, तो इक्वल साइज़ की बनानी है, इसलिए मैंने यहाँ पे एक के पास एक रख के ना इस तरीके से मैंने कट करी हैं। ये देखिए ऐसे आपने कट कर लेनी, एक रखिए, फिर सेम साइज़ की बनेंगे, इससे ये होगा। तो ऐसे मैंने आपने ये सारी लोइयाँ जो कितनी बनी है ये आप गिन लीजिएगा, मैंने गिन नहीं पा रही, तो मैंने ये सारी जो कट कर ली। अब क्या करना है आपको, एक रखनी है और हथेली या उंगली कैसे भी आप इस तरीके से धीरे से इसको प्रेस कीजिएगा और यहाँ पे इसको इकट्ठा रखते जाइएगा। ये देखिए ऐसे कर दीजिएगा एकदम से स्मूथली, ये देखिए ऐसे आपको हथेली से प्रेस करना है। अब आपने आगे क्या करना है, एक लोई लेनी है और इसको बेल लेना है। अच्छा बेलना कैसे है, बहुत हल्के हाथों से बेलना है, आप ध्यान रखिए, क्योंकि आप तेज़ हाथों से बेलेंगे ना तो इसके लेयर जो है वो दब जाएंगे, वो खुलेंगे नहीं। तो आपको धीरे धीरे हाथों से, हल्के हाथों से, कितना इजीली बेल रहा है, इसीलिए इसकी जो मैदा थोड़ी सी सॉफ्ट लगाई जाती है। तो यहाँ पे देखिए मैंने बेला, उसके बाद में आप किसी चाकू की सहायता से या कैसे भी आपने इस सीट को तैयार कर लेना है चौकोर में। ये देखिए चौकोर तैयार कर लिए, ये जो बच्चे हैं ना इनकी चिंता ना करें, बहुत अच्छे बनते हैं, तो इनको आप बाद में फ्राई कर लीजिएगा। अब आपने थोड़ा सा चारों तरफ पानी लगा लेना है, और अब जो स्टफिंग है वो आपने इसके अंदर एक चम्मच के करीब रख देनी है। ये देखिए यहाँ पे हमने रख दिया, और अब क्या करना है, इस तरीके से एक कोना उठाना है और इस तरीके से आपको ट्राइंगल शेप इसको दे देनी है, जैसे कि पेटीज वगैरह की होती है। तो अब आपको अच्छे से इसको चिपका देना है, इसीलिए पानी लगाना ज़रूरी है, क्योंकि खुले ना, जहाँ थोड़ी सी कमी रह जाती है तो खुल जाती है, बस कोई दिक्कत नहीं, आप बाज़ार से भी लाते तो कभी कभी वो भी खुली रहती हैं। तो यहाँ पे ये देखिए हमारी पेटी जो है वो तैयार हो गई है। इस तरीके से आपको अच्छे चिपका देना है कि खुले ना, मेरी एक खुल गई थी जो मैं आपको वीडियो में दिखा दूंगी। तो यहाँ पे मैंने ये देखिए तैयार कर ली है लगभग 4 पेटीज, और मैंने 4 जो है पेटीज इस तरीके से तैयार की थी, और जो मैंने और जो थी ना वो मैंने थोड़ी सी पफ बना लिए थे। ये देखिए जैसे कि एक गुजिया जैसे आकार में बना लिया था, और एक जो चौकोर को वैसे ही फोल्ड करके वैसे बना लिया था, आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये जो कट करके रखी हैं इनको भी मैं बाद में फ्राई कर लूँगी, बहुत ही सॉफ्ट खस्ता मठरी बन जाएंगी। तो ये देखिए इस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मैंने कुछ इस शेप में भी तैयार करे थे। तो चलिए अब आगे जो है इनको तलने का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो यहाँ पे कढ़ाई में मैंने किया है तेल और रिफाइंड ऑयल, उसकी मैं चेक कर रही थी कि ये अच्छे से गर्म हुआ है या नहीं, और ये इसके पफ जो है ना वो खुल रहे हैं नहीं। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको तेल को जो है बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, एकदम धीमी आंच पे इसको डालना है, गैस की फ्लेम को बिल्कुल आपको कम ही रखना है, क्योंकि जब आप धीमी आंच पे इसको सेकेंगे तभी इसके लेयर खुलेंगे। अगर तेज़ आंच पे आप शुरू स्टार्टिंग में ही डाल दोगे ना तो इसकी लेयर बिल्कुल भी नहीं खुल पाएंगे, और ये जो है बाहर से सेक जाएगी, अंदर से कच्ची रह जाएगी, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो आपको धीमी धीमी आँच पर इसको सेकना है, ज़्यादा छेड़ना नहीं है, जब एक साइड से सेक जाएगा मतलब सेकेगा क्या ऊपर आ जाएगा, तो आप इसको फोक की सहायता से या कैसे भी आप इसको पलट करके देखिएगा। ये देखिए मैं दिखा रही हूँ इसकी लेयर, आप देख रहे हैं किस तरीके से खुलती जा रही है, ये देखिए यही है धीमे धीमे आंच पे इसको सेकने से, हम समोसा सेकते हैं ना भाई, इस टाइप की जो चीज़ें होती है ना इनको धीमे धीमे आंच पे सेका जाता है, थोड़ा सा टाइम लगता है, लगभग इसको सेकने में मुझे 7 से 10 मिनट का टाइम लग गया था एक जो बैच को सेकने में। तो यहाँ पे अच्छे से देखिए इसके ऊपर लेयर खुलती जा रही है, जैसे इसकी लेयर खुल रही थी मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि हाँ आ रही है वही चीज़ जो मैं बच्चा चाहती थी। तो ये देखिए इस तरीके से आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया इसकी जो है लेयर खुल के आ रही हैं, और एक जो है देखिए बीच में थोड़ा सा खुल गया था, चिपकने में कमी रह गई होगी, या मैं शायद भूल गई होंगी पानी नहीं लगाया होगा, तो इस चक्कर में आपको अच्छे से धीमी धीमी आँच पर इसको पलटते उलटते हुए सेक लेना है।
और ये देखिए यहाँ हमारी खस्ता सी पफ पेटीज बनके हो गई है तैयार। इनको मैं निकाल लेती हूँ कढ़ाई से और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कितनी खस्ता बनी थी। बाकी जो और थी ना उनको भी मैंने इसी में डाल दिया है। अभी मैंने चार ही सेकी, बाकी और रह गई उनको धीरे धीरे सेकती जाऊँगी, क्योंकि धीमे आँच पे सेकनी है तो इनको यहाँ पे खड़ा भी होना ज़रूरी नहीं है। और ये देखिए यहाँ पे मैंने लगा दी है प्लेट और अब मैं आपको इसकी ना आवाज़ सुनाऊँगी कि कितनी खस्ता बनी है। तो सुना आपने कितनी ये खस्ता और अंदर से एकदम अच्छी सिकी हुई है और एकदम से ना बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी, एक एक इसके जो परत थे ना वो झड़ रहे थे, इस तरीके से ये बनी थी। तो यहाँ पे तैयार हो चुकी है और अभी मैं बच्चों के लिए देती हूँ, इसको सर्व करती हूँ। और यहाँ देखिए मैंने लगा दी है प्लेट, ये खुल गई थी लेकिन बहुत अच्छी लग रही थी। ये देखिए इसकी लेयर आप देख सकते हैं और यहाँ पर सॉस के साथ में इसको सर्व कीजिए। आप इसको बना भी सकते हैं। मुक्कू क्या खा रहे हो? पेटीज कैसी है कृष्णा, सही बताना। खस्ता एकदम देख, खा लीजिए भाई आप लोग भी। एकदम से ना लेयर खुली है इसकी, बढ़िया। रखो उसमें, रखो बेटा, बिस्तर पे नहीं फैलाना, बिस्तर पे नहीं फैलाओ। रघु तू बता कैसी है? गरम, अभी खाई नहीं, गरम है। हाँ आराम से। तो जी और मैंने जो बची थी सारी सेक ली, जो मठरी जो कट एक्स्ट्रा पीस निकले थे ना उनको भी मैंने सेक लिया है और ये इतनी सच्ची में बहुत टेस्टी होनी थी। और ये चीज़ ना बच्चों को इतनी अच्छी लगी और मुझे बहुत खुशी हुई जब मेरे बच्चे इसको खा के खुश हुए। तो आपने इसको बनाना कैसे, जैसे कि जो एक पेटीज आपने देखी थी वो खुल गई थी, तो उसी में आप प्याज नमकीन वगैरह ये सब चीज़ डाल करके बच्चों को सर्व कर सकते हैं, जैसे कि बाज़ार से जो पेटीज आती है उस तरीके से। तो चलिए यहाँ अभी ये मम्मी पापा को मैंने देना है और इन्हें भी देना है, सबको बहुत अच्छी लगी। और उसके बाद में यहाँ पर खाना बनाया मैंने, खाने में आज बनाई थी मिसी रोटी और चटनी, ये बनाया था क्योंकि सब ने ये भी खा लिया था तो ज़्यादा भूख नहीं थी, तो बोले कि हम दो दो रोटी खाएँगे। और सुबह की दाल वगैरह भी बची हुई थी इसीलिए मैंने सिर्फ यही बनाया था मिसी रोटी, तो वो मैंने शेयर नहीं किया। और अभी मैं कर रही हूँ प्रेस रात के टाइम में, सब लोग सब काम से फ्री हो के बाद मुझे याद आया कि मुझे अभी कपड़ों पे प्रेस भी करनी है क्योंकि राघव को स्कूल भी जाना है मंडे में कल, तो मैं फिर यहाँ पे लगा ली थी प्रेस और बस ये कर रही हूँ। और इसी के साथ ना मैं इस वीडियो का भी एंड कर रही हूँ, काफ़ी टाइम हो गया था, यहाँ पे 11 बज रहे थे मुझे रात के और प्रेस करने के बाद में मैंने वीडियो कोई शूट नहीं किया, एंड कर रही हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो ना तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और फ्रेंड्स फैमिली में शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि हमारी मेहनत और आपका एक लाइक और कमेंट बहुत अच्छा लगता है। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा राधे राधे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।